अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि माश की दाल की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, उसमें मैं यहाँ पे आधा किलो माश की दाल यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने साफ़ करके धो लिया था, अब मैंने वो उसका पानी फेंक दिया है। हाफ जग इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। स्मॉल साइज़ का टमाटो, 2 ग्रीन चिलीज, 1 अनियन स्मॉल साइज़ की, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। स्मॉल साइज़ का एक मैं पतीला लूँगी, उसके अंदर ही मैं भीगी हुई दाल डाल दूँगी। दाल डालने के बाद मैं इसके अंदर ये मसाले ऐड कर दूँगी। और साथ ही हम इसके अंदर ये वाटर ऐड कर देंगे हाफ जग। और अब हाई फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। ये देखें, इसका पानी बोलना शुरू हो गया है। मैंने इसे हाई फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए, अब मैं इसे लो फ्लेम कर दूंगी। ये माश की दाल थोड़ी देर से गलती है, इसे ज़रा टाइम लगता है पकने में। अगर आप प्रेशर में बनाएं तो ज़रा जल्दी बन जाती है, लेकिन इसके इस तरह बनाने से इसका टेस्ट ज़रा और होता है। 35 मिनट हो गए मुझे इसे लो फ्लेम पे रखे हुए। ये देखें, इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और दाल अभी थोड़ी थोड़ी कच्ची है। जब तक इसका पानी खुश्क होगा, दाल भी तकरीबन गल जाएगी, फिर हम इसमें तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने 3 पीस गार्लिक इसे मैंने कट कर लिया है और 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल का इसमें डाल दिया है। इसका पानी तकरीबन खुश हो गया है पूरे 1 घंटे के अंदर। गार्लिक के पीस लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं, मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और अब मैं इसके अंदर तड़का लगा दूंगी और फौरन से बंद कर दूंगी। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। माश की दाल बनके तैयार है। इसकी मैंने आज आपको आसान रेसिपी बताई। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसे ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। फिर आप मुझे बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।